तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग सारे कंपोनेंट को क्लीन कर रहे थे और सारे कंपोनेंट क्लीन होकर रेडी हो चुके हैं। ये है आरओजी का मैक्सिमस मदरबोर्ड, ये क्लीन कर लिया है हमने। आरओजी का जीपीयू और पावर सप्लाई, स्ट्रीमर प्लस केबल, रैम 6, एनवीएम स्टोरेज और आरओजी जीपीयू के लिए हमने यूज़ की है, नहीं ये एड ऑन किया है अभी हमने। ये इसकी स्ट्रीमर केबल है, जीपीयू का होल्डर है और नया लिक्विड कूलर हमने इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, आरओजी का ही। आपने पहले देखा था, हमने पहले वीडियो में वो कूलर यूज़ नहीं किया है इंडस्ट्री का, अब हम आरओजी का करने जा रहे हैं यूज़। यूनिफैन के किट लिए हैं और ये सारे कंपोनेंट फिट करने जा रहे हैं इसमें। इतना बड़ा उठाऊंगा भी कैसे मैं, स्टाइल से खींच तो लिया। ऐसा लग रहा है मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं, ये मेरी अनबॉक्सिंग कर देगा अभी। इस डब्बे में वजन है 25 किलो का, उसमें 25 पंखे, इसमें 25 किलो। तितली बनू उड़ती फिरू मस्त मगन में, खुलता भी है ना ये। इस कैबिनेट में एक सीक्रेट चैम्बर भी है, ये देखो क्या है ना, समथिंग यूनिक। तो गाइस हमने कर लिया इसको अनबॉक्स और अब हम इसकी जो इसमें जो फैन लगे हुए हैं वो खोलेंगे, सारे पार्ट को खोलेंगे, जो इसमें फिट करना वो करेंगे। तो आप देखते जाओ, बने रहो हमारे साथ वीडियो में। ये ऊपर का कवर है, यहाँ पे अपन लिक्विड कूलर फिट करेंगे, ये फैन खोलेंगे, ये फ्रंट का पैनल खोलेंगे और ये सारे फैन खोलेंगे। कितने भारी भारी कवच है इसके। 12 seconds later. आरओजी हाइपरियन के साथ में आता है एक एसेसरीज बॉक्स, आइए इसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है अपन को। कुछ स्क्रूज, ये होते हुए अपने यूएसबी को प्रोटेक्टर, डस्ट प्रोटेक्टर, ये कवर आता है एक, और स्क्रूज और कैप, आई केबल, स्टैंड ऑफ खोलने के लिए स्क्रू, और ये एक्सटेंडेड केबल है, खत्म। ये मेरे हिसाब से तो काम आएगी, इसमें क्या है मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा पावर देने के लिए काम आती है, उसमें यूज लेंगे। और इसके साथ में आया है एक स्क्रू ड्राइवर आरओजी का, जो कि यहाँ पे फिट होगा। इन सारे स्क्रू को मैनेज करने के लिए ये बॉक्स दिया है, रिपब्लिक ऑफ गेमर, यहाँ पे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर यहाँ रख सकते हो, अलग अलग में अलग स्क्रू रख सकते हो। और ये इसके साथ में आया है एक वर्टिकल कार्ड होल्डर, यहाँ पे फिट हो जाता है और अपन अपने जीपीयू को वर्टिकली होल्ड कर सकते हैं। गाइज़ ये है इसकी रिपब्लिक गेमर वाली प्लेट जिसमें लाइट वगैरह जलती है, आपने देखा होगा इसकी वीडियोस के अंदर। तो अपन ये यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे अपन कैनली यूनिफैन लगाएंगे और इस प्लेट को अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ से खोल के अपन इसको नीचे की तरफ यहाँ फिट कर दें, क्योंकि फ्रंट में भी फैन रहेंगे, यहाँ भी फैन, ऊपर भी फैन और पीछे फैन रहेगा, तो इसको अपन यहाँ फिट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज पीछे से मैंने पूरा खोल लिया है, सारी केबल वगैरह आप देख सकते हो, सारा टाई वगैरह खोल के मैंने यहाँ से ये फैन हटा दिया, ये वाला आगे वाला, ये पूरा सामान मैंने हटा लिया क्योंकि मैं मेरे हिसाब से अब केबल मैनेजमेंट करूंगा। और मैंने ये वाला पार्ट हटा लिया है जहाँ पे वो प्लेट लगी हुई थी अंदर की तरफ, सामने की तरफ ये तीन फैन लगे हुए हैं, ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अपन दूसरे फैन लगाने जा रहे हैं। ये वाला हटाना पड़ेगा अपन को, नीचे का पीएसयू श्राउड बोलते हैं इसको, ये हटाना पड़ेगा और यहाँ पे अपना पावर सप्लाई लगेगी, सारी केबल्स यहाँ से बाहर जाएंगी, पीछे से केबल मैनेजमेंट होगा। ये फैन खोल के मैं दूसरे लीएनली के फैन लगाऊंगा और वो फैन लगाने के बाद में आपको दिखाता हूँ मैं आगे कैसे कैसे क्या होने जा रहा है। तो देखो ठीक है, केबल मैनेजमेंट यार बहुत सही है इनका भाई, इतनी बड़ी केबल तो मैंने आज तक नहीं देखी मेरे जीवन में, PWM केबल, अभी दिखाता हूँ उसको काट के कितनी बड़ी केबल है ये। अब देखो इतनी बड़ी केबल, इतनी बड़ी कभी केबल देखी है PWM? मैंने तो नहीं देखी आज तक, आप लोगों ने देखी है तो कमेंट में बताना मेरे को, और कहाँ देखी ये भी बताना। अब ये अपना बोर्ड है और इसमें मैं सारी रैम स्टिक और NVMe ड्राइव लगाने जा रहा हूँ।
अब पहले इसको फिट कर लेते हैं कैबिनेट में, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। फिट करते हैं इसमें बोर्ड। नहीं यार, ऐसे नहीं आएगा ये इसमें। यार इसको इतना भारी है। हाँ तो तेरे बाप का खाया। खोलना पड़ेगा वापस। ROG की स्क्रू है। अब हुआ ना पूरा खाली। आजकल जमाना जाली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इसमें यूज करने जा रहे हैं लियानली की तरफ से यूनिफैन SL INF 120 इन्फिनिटी वाले फैन। ये अभी तक सबसे लेटेस्ट फैन है लियानली के। ये फैन इसमें यूज करेंगे। इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। एक थैंक यू का स्टिकर जो मैं पढ़ नहीं पा रहा चाइनीज के अंदर, बट इधर इंग्लिश में भी लिखा है। क्या बढ़िया था गुरु। ये इसके साथ में एक्सेसरीज किट है, और ये है 3 फैन। ये कुछ पुस्तकें जिनकी अपन को जरूरत नहीं है, इसमें से एक केबल काम आएगी। बाहर रख लेते हैं, 3 अंदर डाल दो। थैंक यू। चलो 1 2 3 पंखे और स्क्रूज। इसको फिट कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसे लगे थे ये। ऐसे ही लगे थे, बिल्कुल ऐसे लगे थे। तो यूं गाइस एक बात बताओ कि ये वाले फैन मैं ऐसे लगाऊं, क्योंकि अंदर जो दिखेगा वो पीछे की तरफ से दिखेगा। बट ऐसा जरूरी भी है क्योंकि अपन को इनटेक फ्रंट से लेना पड़ेगा। फैन का इनटेक होगा फ्रंट से होगा एयर फ्लो का। ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं गाइस। इन फैन की सबसे खास बात यही है कि इनमें कोई वायर वायर होता नहीं है, और इनको अपन ऐसे लॉक कर सकते हैं इजीली। ये देखो इस तरीके से जुड़ जाते हैं। इसको ऐसे और पीछे तरफ स्क्रू कस दो, एंड दिस इज रेडी टू गो। यार इसमें एक फैन और आ जाएगा, वो भी लगा देते हैं। एक किट और खोलने का समय आ गया है। नहीं लग सकते, पर यार ऐसे अच्छा नहीं लगेगा गाइस। ये चीज होती सबके साथ है, लेकिन बताता कोई नहीं है। अब मेरी तो यहाँ पे होगी ना फजी थी। होता सबके पास है, बताता कोई नहीं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये फैन अंदर की जगह बाहर लगाए हैं। उसका रीजन ये है कि अंदर 3 ही फैन लग पा रहे थे, 4 फैन नहीं लग पा रहे थे, और अंदर ये LED लाइट भी स्ट्रिप इसकी छुप जाती। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बाहर लगाता हूँ, बाहर 4 फैन लग भी जाएंगे और ये परफेक्टली फिट भी हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। अब ये देखो कितना सही लग रहा है, और ये लगने के बाद भी लुक भी बहुत मतलब अच्छा लुक आएगा। अब हम 3 फैन इसमें लगाने जा रहे हैं। इस वाले में एक किट और खोल लेते हैं, इसको फिट करेंगे इसके अंदर। इसमें भर ही देंगे फैन ही फैंस। ओके, इस बार इनको रखेंगे सीधा और लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये इसका कनेक्टर है। तो गाइस फैन अपन ने फिट कर लिए, और अपन इसको वापस यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद देखना आप लुक किस तरीके का आ रहा है। अब दिखाओ इधर से, क्या लग रहा ना धासू। अभी तो सिर्फ यहाँ और यहाँ ही लगे, अभी यहाँ भी लगेगा, ऊपर भी लगेगा। करते हैं। सो गाइस अब ओपन करने जा रहे हैं ROG का Win 3 360 ARGB कूलर। इसमें आता है डिस्प्ले और फैंस। देखते हैं अंदर किस तरीके की पैकेजिंग आती है। वाओ, ROG का कार्ड, वेलकम टू द रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। यार पैकेजिंग इतनी क्लासिक पैकेजिंग है इसकी, ऐसी पैकेजिंग किसी भी कूलर की नहीं आती। ये है फिन प्रोटेक्टर, इसकी फिन्स होती है, ये डैमेज नहीं हो जाए। इसके लिए प्लास्टिक का प्रोटेक्टर आता है, वो भी हार्ड प्लास्टिक का है ताकि डैमेज हो ही ना। ये इस तरफ भी लगा हुआ है। ये है ROG की पैकेजिंग। वाकई में यार क्या चीज़ बनाते हैं। अब देखते हैं इसको।
ये इसके अंदर फैन आता है ताकि इसके अंदर के चिपसेट वगैरह को ठंडा रख सके, और अंदर मतलब इसको ठंडा रखता है, इसको ठंडा रखता है, और साथ ही में जो मदरबोर्ड के साइड में VRMs होती है, इन VRM को ठंडा रखने का भी काम करता है, क्योंकि जब कूलर यहाँ पे रहता है तो आसपास में इस जगह पे हीट हो जाती है, और VRM भी जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है प्रोसेसर को तो उस समय वो भी हीट होती है, उसको ठंडा रखने का काम भी ये फैन करता है। ये डिज़ाइन ROG की है। अब इसको फिट करते हैं। करने का क्या आनंद आता है। ये वाला कूलर अपन लगा रहे हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके साथ में फैन आया है, और अपन इसके तरफ नीचे की तरफ जो है इसके फैन नहीं लगाएंगे, लुक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो अपन लियनले की यूनिफैन ही लगा रहे हैं ताकि पूरा कंप्लीट लुक आए। ये वाले फैन अपन ऊपर की तरफ लगाएंगे, जिसको बोलते हैं पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन। और जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने देखा, मतलब मैं शॉक रह गया लिटरली, मेरे को पता नहीं था इस तरीके के फैन आते हैं इसमें। ये देखो ऐसा बॉन्डिंग देखो इनकी, कितने सॉलिड फैन है, और इतने सॉलिड फैन है जैसे यहाँ अगर लगा दूँ, अनएक्सपेक्टेड, लिटरली अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोचा नहीं था इतना पावरफुल। ROG भाई सल्यूट है यार, ROG रहेगा। देखो एक बार क्या चीज है ये, किसी अजूबे से कम नहीं। मैंने सोचा नहीं था, मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे देख रहा था कि क्या है, ऐसे चिपक गया ये। भाई साहब क्या सॉलिड है, जबकि इसमें तो लॉक होता है, इसमें लॉक होने का कोई सिस्टम नहीं है, मैग्नेट है, इतना पावरफुल मैग्नेट है। क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित करना चाहता है तू? मानना पड़ेगा सल्यूट टू ROG। फाइनली ROG का कूलर ऊपर लग चुका है, नीचे अपन ने लियनली के फैन लगा दिए हैं, और इसको अपन ने रखा है पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में। सारे फैन लग चुके हैं, मदरबोर्ड लग चुका है, पावर सप्लाई लग चुकी है, इसको बनाते बनाते मेरे भी लग चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, समझ रहे हो। अब इसको अपन फिट करेंगे इसके ऊपर, और ये यहाँ पे जाएगा। इसके लिए मुझे क्या रैम निकालनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि मैं स्क्रू को टाइट नहीं कर पाऊंगा, तो पहले मैं रैम को निकाल लेता हूँ। ये रैम को निकालना पड़ेगा। हम इसमें लगाने जा रहे हैं थर्मल ग्रिजली का क्रायनेट एक्सट्रीम, जो सबसे लेटेस्ट थर्मल पेस्ट है और आज तक का सबसे पावरफुल पेस्ट है। ये वाला अपन इसमें अप्लाई करेंगे। इसके लिए अपन को चाहिए टिश्यू पेपर और एक स्प्रेडर। इसी बहाने आज मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मल पेस्ट एक्चुअली में अप्लाई किया कैसे जाता है। अब इसको अपन को स्प्रेडर से इस तरीके से स्प्रेड करना होता है। कभी भी पेस्ट को एक बीच में डॉट लगा के नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक आपका जो प्रोसेसर है वो स्क्वायर शेप का ना हो, और उसमें क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। फिर भी अगर सेंटर में लगाओगे और प्रेशर पड़ता है ना, तो फैल के ग्राउंड इतना ही बन पाता है, हमेशा वो हर कोने को कवर नहीं कर पाता। इसीलिए अपन इस तरीके से पेस्ट लगाते हैं ताकि प्रोसेसर पूरा कवर हो सके और पेस्ट एकदम प्रॉपर लगे। आपने कभी भी किसी प्रॉपर वीडियो देखी होगी जहाँ पे एक बंदा बता रहा है कि इस तरीके से पेस्ट लगाना चाहिए, तो वो इसी तरीके से लगा के बताएगा, इस तरीके से लगाना चाहिए पेस्ट। अपन ने जब इस तरीके से पेस्ट लगाया, इसका अपन को एक फायदा ये मिलेगा कि एक्स्ट्रा पेस्ट न होने की वजह से जब आप कूलर को इस पे रखोगे तो जो पेस्ट फेल के बाहर प्रोसेसर के अंदर चल जाता है वो नहीं होगा इसके अंदर। इस सिचुएशन में जितना पेस्ट लगना चाहिए था उतना ही लगा है। ठीक है समरिया। अब अपन लगाएंगे इसके ऊपर कूलर। कूलर के ऊपर जो प्री अप्लाइड पेस्ट आता है उसको अपन हटा लेंगे, और ऑलवेज हटा ही लेना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी में कूलर पैक होता है तो उस समय इस पे पेस्ट लगाया जाता है। जब अपन कूलर को फिट करते हैं उस टाइम तक पेस्ट सूख जाता है, ये पेस्ट तो कभी नहीं लगाना चाहिए। और बाकी आप लोग क्या करते हो, पेस्ट लगाते हो, ये वाला अप्लाई करते हो, नहीं करते, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हमेशा इस तरीके से पूरा क्लीन करके फिर लगाता हूँ। और कई लोग अगर कमेंट में बोले कि इस पे आपको एसीटोन से क्लीन करना चाहिए था, वो था ये था, पहले बता दूँ फर्स्ट टाइम अप्लाई के अंदर एसीटोन से क्लीन नहीं किया जाता। जब पहले से अगर लगा के अपन ने कूलर को हटाया होता, अपन रीपेस्टिंग करते उस समय अपन इसे क्लीन करते ताकि कोई दाग नहीं रहे, थोड़ा सा भी क्वांटिटीज पे ना रहे पेस्ट की। अब अपन इसको फिट करते हैं। फिट करने के लिए मैं एक बार ऊपर वाले डिस्प्ले वाले पार्ट को हटा लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस वाले मदरबोर्ड की हीट सिंक इतनी ज्यादा मोटी है कि हाथ ही नहीं जा रहा इधर। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। हमेशा क्रॉस पैटर्न यूज करना चाहिए जब आप स्क्रू को टाइट करो, क्योंकि एक साइड में दो पेज टाइट कर दोगे ना तो फिर क्या है ना, इस ये वाली प्लेट बैंड हो जाती है, तो आपको हमेशा क्रॉस में टाइट करना चाहिए।
लास्ट में फाइनल टच देते हुए आप चेक कर लो कि सब प्रॉपर टाइट है। और ये बॉश वाली स्क्रू ड्राइवर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर टॉर्क सिस्टम होता है, ये टॉर्क लेवल है। मैं हमेशा इसको एक नंबर पे रखता हूँ, सबसे कम टॉर्क। इसमें क्या होता है ना, आप सभी स्क्रू को एकदम इक्वल लेवल पे टाइट कर सकते हो। अगर मैं हाथ से करता हूँ तो उसका माइनस पॉइंट ये होगा कि कोई स्क्रू ज़्यादा टाइट हो जाएगा, कोई कम टाइट होगा। तो इस स्क्रू ड्राइवर का ये फ़ायदा मिलता है। ये तो लग चुका है, इसके बाद में अपन रैम अप्लाई कर देंगे और अपना जो NVMe वाला केस है वो लगा देंगे और सारी केबल वगैरह का कनेक्शन कर देंगे। फाइनली कूलर लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो दिखने में बहुत ज़्यादा स्लीक लग रहा है। कूलर अपने अप्लाई कर दिया है और फैन सारे लग चुके हैं, पावर सप्लाई लग चुकी है। अब जो पार्ट बचा है वो सिर्फ केबल मैनेजमेंट का है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं क्या करते हैं। थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट केबल मैनेजमेंट ही होता है PC में। आज कोई भी PC बिल्डर है वो अच्छे से जानता है कि सबसे हार्ड पार्ट वही है, ये तो कर लेंगे लेकिन उसमें ही आएगा असली मज़ा, वो आपको दिखाऊंगा लास्ट में। काली काली जुल्फों के फंदे न डाल, हमें जिंदा रहने दो फिल्मवालों। अभी अपन को पूरा प्रॉपर केबल मैनेजमेंट करना है और कुछ चीजें बची भी है लगाने के लिए, जैसे ये कार्ड होल्डर हो गया, ये वाला पार्ट भी बचा हुआ है और स्ट्रीमर केबल है, स्ट्रीमर केबल भी लगानी है। ये GPU की है तो मेरे को अभी फ्रंट में GPU भी लगाना है, उसके बाद में इसका भी मेरे को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कैसे लगेगी, और ये सब करना है अभी पेंडिंग है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे वीडियो में। ये वाला काम तो पूरा हो चुका है, अपन अब PSU शराब लगा देते हैं और इसको पैक कर देते हैं। लग रहा ना कूल। अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रीमर प्लस V2 की अनबॉक्सिंग। ये वाला जो स्ट्रीमर केबल है ये हमने GPU के लिए लिया था और आइए देखते हैं इसको खोल के क्या क्या आता है इसके अंदर। ये जो है ये PCIe Gen 5 वाले टाइप की केबल है, आपको दिखाता हूँ मैं इस टाइप से 12 VHPR टू 12 VHPR पूरी अपन ये केबल दिखा सकेंगे आगे की तरफ। अब मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ लुक किस हिसाब से आएगा, तो ये कुछ इस हिसाब से चलेगा। कई लोग सोचते होंगे कि जो वायर है ना वायर ग्लो करता है, लेकिन वायर असल में इसके नीचे होता है, ऊपर तो सिर्फ ये RGB स्ट्रिप्स है, RGB लाइट है, ये वायर नहीं होते, वायर इसके नीचे होता है। देखो ये है वायर जिसमें से ग्राफिक कार्ड को पावर मिलता है और ऊपर सिर्फ RGB लाइट्स होती है जो ये यहाँ से जाके बॉक्स में कनेक्ट हो जाता है और मदरबोर्ड इसको कंट्रोल करता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरे अपन इसका केबल मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो सारा केबल जो आएगा वो अपन यहाँ से भी लेके आ सकते हैं और यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ से लेके आऊँ ताकि अपन को ये वाले केबल के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाए। तो इसके लिए खोल लेते हैं इन सबको, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा और काम करने में ईजी हो जाएगा। ये अपने लेनली फैन के किट के लिए, इसका USB हेडर, इसको पावर देने के लिए दो बॉक्स, और अब इसको ताम झाम को पूरे को करना है ख़त्म। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको रेडी कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस फाइनली PC बिल्ड हो चुका है और अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई थी, वो मैंने नीचे की तरफ लगा दी है क्योंकि इसको मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, ये नीचे लगा दी। स्ट्रीमर केबल लग चुकी है, मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ फिट हो चुका है, पीछे की तरफ सारा केबल मैनेजमेंट हो चुका है, बस टाई को हटाना बाकी रहा है, सब कुछ सेट हो चुका है। अब फाइनली इस सिस्टम की जान जो है ये ROG 4090 ये लगने जा रहा है, इसके बिना सब अधूरा लग रहा है। बात तो सही है। और इसका होल्डर ये भी बाकी है, ये भी लगाएंगे, पहले कार्ड लगाते हैं उसके बाद इसको भी लगा देंगे। अभी लगाते हैं इस कार्ड को और कनेक्ट करते हैं। ग्राफिक कार्ड तो फिट हो चुका है और अब लगाने जा रहे हैं इसका ग्राफिक कार्ड होल्डर ROG का। अनबॉक्स करते हैं इसको। वाह यार इतना सुंदर है। फाइनली पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। पीछे की तरफ जो केबल मैनेजमेंट किया था वो भी आप एक बार देख लो, इसका जो एक्स्ट्रा टाई केबल बची है वो कट ऑफ कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे को बहुत सेटिस्फाइंग लगता है ये वाला पार्ट, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। आप इसको काउंट करते रहना और मेरे को कमेंट में बताना कितनी टाइज लगी है, क्योंकि मैंने तो पूरा पैकेट ही खाली कर दिया इसमें। ये जो मैंने किया था केबल मैनेजमेंट, ये शगुन भैया की खास फरमाइश पे किया हुआ है, उनको इस टाइप का केबल मैनेजमेंट चाहिए था।
और बाय द वे शगुन भैया वो हैं जिनका ये सिस्टम है, तो लास्ट में आपको मैं मिलवाऊंगा उनसे। अच्छा लग रहा है यार, मजा आ गया सिस्टम बिल्ड करके। गाइज आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम पूरा बिल्ड हो चुका है और दिखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब आप सोचिए कि बंद में इतना सुंदर है तो चालू होने के बाद क्या ही लगेगा। तो चलिए करते हैं इसको प्लग इन और इन्जॉय कीजिए आप इसके सिनेमेटिक्स बी रोल्स को। सो गाइज अगर आपको ये सिस्टम पसंद आया तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस सिस्टम को बनाने में 2 घंटे नहीं लगे, इसको बनाने में लगे हैं पूरे 3 दिन। मेरे को पूरा 1 दिन तो इसका केबल मैनेजमेंट करने में लग गया था। प्रॉपर आपने देखा होगा पीछे मैंने आपको दिखाया था, उसको करने में पूरा 1 दिन लगा है और बाकी देख ही सकते हो। आपको कहीं कोई कमी आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड ठोकना मत भूलना। Hi guys, finally हम आ गए शगुन भैया के घर पे। आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम यहाँ पे आके आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। शगुन भैया का रिएक्शन शूट करना था तो इसलिए हम भैया के घर पे आए हैं और आपको दिखाते हैं पीसी अनबॉक्स करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। शगुन भैया अभी इसके साइड में हैंडल जी भैया, सिस्टम इतना भारी है, काफी भारी, दो बंदों के हाथ एकदम ऐसे हो गए। गाइस सिस्टम खोल के हमने इसके ऊपर रख लिया है और आप देख सकते हो शगुन भैया को हमने इधर खड़ा कर रखा है क्योंकि सिस्टम निकालते टाइम हम चाहते नहीं थे कि वो देख ले इसको, तो हमने इसको खोल के उनको उधर मुंह करके रखा है। अभी आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फाइनली 1 2 3 क्या बात है एकदम एलियन लुक दे रखा है आपने तो इसको। वाह सारे लियांडी के फैन एक ही कॉन्फ़िगरेशन अपना 4090 की। अच्छा होल्डर ओके, इसको क्या फिटेड जीता? हां हरक्लिक्स करके नाम है इसका। वाह वो भी आरओजी से मैच है जी, नेक्स्ट लेवल। आपको पता है मैं भी अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, ये जो फैंस लगे मेरे सब बेहद चाहिए, ये जो फैंस है ये यहाँ अपन, मैंने जैसे वीडियो में पहले ही बताया होगा कि यहाँ नहीं लग सकते थे, ये इसके अंदर लगने के थे, बट ये लुक नहीं दिखता और अंदर 3 ही फैन लग सकते थे तो मैंने इसको कैसे ना कैसे करके बाहर 4 फैन फिट कर दिए ताकि पूरा कंप्लीट लुक मिले अपन को और एकदम अपने शीशे का लुक मेंटेन रखा है। बिल्कुल, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी एक फैन लगाया ताकि इसकी हाइट नीचे आ जाए और आपको ये लुक मिले। अगर मैं वो फैन नहीं लगाता तो ऊपर चल जाता ये पर आपको दिखने में नहीं आता। और ये वाली जो स्ट्रिप है ये वाली अलग से लगाई है, कैबिनेट के साथ में नहीं आई थी, तो अगर यहाँ तक ही रहता तक अधूरा सा लगता तो मैंने यहाँ भी लगा दी। इसके नीचे से वायर जा रहा है अंदर, एकदम फिनिशिंग से काम हुआ है जैसा आप चाहते थे उसी तरीके से पूरा सब कुछ बिल्ड किया है आपने, तो एक कम्प्लीट लुक आ गया इसका। आपने तो एकदम मतलब मेरे रिक्वायरमेंट जो परफेक्शन की मैंने आपसे मांगी आपने उसे नेक्स्ट लेवल लगी। नीचे रिपब्लिक ऑफ गेमर की प्लेट भी लगा, यहाँ से उतारी थी ये प्लेट तो मैं नहीं चाहता था वेस्ट जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ डबल साइड टेप से इसको चिपका रखा है और ये पूरा एकदम प्रॉपर वायर मैनेज करके। अमेजिंग अमेजिंग लॉस्ट फॉर वर्ड्स, अमेजिंग बहुत ही बेहतरीन। और ये 120 तक की लगी पीछे की तरफ भी आपको लुक मिलता है, पीछे तरफ भी खाली नहीं है। वाह आगे पीछे दोनों जगह एकदम परफेक्शन पे काम के एक केबल नहीं क्या केबल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अभी मैं आप सब खोल के भी देखूंगा पीछे केबल मैनेजमेंट, मैंने वैसे पूछा
पूरा एक दिन लगा है, पूरा एक दिन लगा इसको केबल मैनेज करने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। मैं कभी सोचा नहीं था कि वीडियो कार्ड की जो केबल है उसमें भी RGB मांगा है। बहुत ही बेहतर ये सब कुछ, आपके रिक्वायरमेंट भी स्पेशल मंगवाया था सब कुछ। मेरी रिक्वेस्ट तो आपसे सिर्फ परफेक्शन की थी, आपने तो मतलब लाइक अबव ऑल लिमिट्स चले गए। बहुत ही बेहतर, बहुत ही, कितने मतलब सफाई से काम किया, एक भी केबल कहीं नहीं दिख रही। मैं देखो इसका जो केबल है ना, इसका जो USB केबल है वो दिख रही है, जाएगी फोन ऐसी होके दो केबलों के बीच में से होके पीछे जा रही है। और ये केबल गई कहाँ? पीछे आपको दिखाऊंगा अभी खोल के। पीछे से पूरा होते हुए एकदम मैंने मतलब पूरा एकदम सेट करके इस हिसाब से सेट किया था। सोच किया था कि मतलब हर एक जगह वो केबल पहुंच जाए, जो जो बॉक्स जहां जहां लगे जी वो केबल वहां पहुंच जाए, इसी हिसाब से पूरा सेट किया। एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप, बहुत ही बेहतरीन। और DMD के फैंस तो इतना अच्छा लुक दे रहे हैं, इसके एकदम मैच कर गए हैं इसके साथ। मैंने जब भी आपको बोला था यूनी फैन ही लेंगे, आपने यूनी फैन बोला था मेरे को। गाइस आपने देख लिया है भैया के रिएक्शन और इसके पीछे हमारी मेहनत भी। और भैया से आप कुछ वो सब सुनना चाहें तो। मैंने जीत से परफेक्शन मांगा था और इन्होंने अपने हिसाब से कंपोनेंट्स मेरे को सजेस्ट किए। इन्होंने हफ्ते भर से भी ऊपर अपनी मेहनत लगाई और अब आप देख सकते हैं अपने सामने एक ऐसा एलियन सिस्टम जिसको हम लोग बचपन में सोचते थे किसी एक दिन बनाए। एक एक केबल अपनी जगह है, एक एक फैन परफेक्ट सिंक में जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो क्राफ्टमैनशिप इन्होंने दिखाई है अबव एंड बियॉन्ड। प्लीज इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कॉमेंट्स में दें। Thank you guys. Thank you so much. और ऐसे ही भारी भरकम बिल्ड को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे स्मार्ट टेक्नो में। हम ऐसे ही अतरंगी बिल्ड आपके लिए लेके आते रहेंगे। एक बिल्ड और बनने जा रहा है, उसका भी आपको एक वीडियो मिलेगा। सो गाइज तब तक के लिए स्मार्ट टेक्नो साइनिंग आउट।